माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। तो आखिरकार पास हो ही गया यूसीसी बिल, विधानसभा में लग गई मुहर, सर्वसम्मति से पारित हुआ बिल। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है, जिसका जश्न प्रदेश के अलावा देश भर में मनाया जा रहा है। बुधवार को विधानसभा की तीसरे दिन की कार्रवाई में यूसीसी बिल पास हुआ, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर पिछले कई वक्त से चर्चा जारी है। समान नागरिक संहिता कानून के लागू होने पर बीजेपी नेताओं में खुशी का माहौल है। विधानसभा में यूसीसी पास होने की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरू ने की। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूं। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। जैसे ही यूसीसी बिल पास होने की घोषणा हुई तो विधानसभा के अंदर विधायकों ने ताली की गड़गड़ाहट के साथ इस फैसले का स्वागत किया। वहीं विधानसभा के बाहर महिलाओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, मानो जैसे बरसों की मुराद पूरी हो गई हो। आपको बता दें कि बुधवार को विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था और कई लोगों को इंतजार था कि बुधवार को यूसीसी बिल संसद में पास हो जाए और पूरे प्रदेश में ये कानून लागू हो। अंदर विधानसभा सत्र में सीएम धामी के भाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने सर्वसम्मति के साथ ये फैसला सुनाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां आजादी के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ है। इस कानून में कई प्रावधान हैं, शादी से लेकर तलाक और जायदाद से लेकर रिलेशनशिप तक कानून बना है। 200 पृष्ठों से ज्यादा का ये पूरा कानून है। फिलहाल ये उत्तराखंड विधानसभा में पास हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।